बुहाना के कलाखरी की सरकारी स्कूल व ग्राम पंचायत परिसर में कांग्रेस की पंचायत समिति सदस्य शकुंतला यादव ने 101 अशोका के पौधे लगाए। इस नेक सामाजिक कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के सैकड़ों छात्र छात्रा, शिक्षक के अलावा गांव के गणमान्य लोग ने हाथ बटाया, साथ ही संकल्प लिया कि पेड़ बनने तक इसकी देखभाल करेंगे। शकुंतला यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने जन्मदिन पर 2 पौधे हर वर्ष लगाएं और अपने इलाके को हरा भरा बनाएं। उन्होंने कहा कि पौधे से ही हर एक जीवन की कल्पना की जा सकती है। आज पौधे की कमी से लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इससे लोग कई बीमारियों का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी कई जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों को नोटबुक पेन वितरण किए। इस मौके पर उषा यादव, मुकेश यादव, ऋतु जांगिड़, प्रिंसिपल वेद प्रकाश रांगेय, अशोक शर्मा, महेश सैनी, जितेंद्र सैनी, सुंदरपाल यादव, छोटे लाल, बलराम किशोरी लाल, उमेश शर्मा, सविता यादव, राजेश यादव, सुरेश यादव समेत स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे मौजूद थे। तो जाने सिर कटवा कर अगर पेड़ों की रक्षा की जाए तो भी बहुत सस्ता सौदा है। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए जब 1730 में महाराजा अभय सिंह ने जोधपुर के खेजड़ली गांव में पेड़ों को काटने का आदेश दिया तो 363 स्त्री पुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान देकर पेड़ों की रक्षा की थी। हम उतना नहीं कर सकते, तो कम से कम मैं सभी से अपील करती हूँ कि एक पेड़ हर आदमी जरूर लगाएं। हम अपने बच्चों को विरासत में चाहे कुछ दें या ना दें, मैं आप सभी से अपील करती हूँ, आप ये संकल्प लें कि अपने बच्चों को एक अच्छा पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण की सीख जरूर देकर जाएं विरासत में। आज जब कहीं विकास के नाम पर तो कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और वैसे भी हमारा राजस्थान तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत समृद्ध परंपराएं रखता है। रियो डी जेनेरियो के सम्मेलन और स्टॉकहोम के कन्वेंशन से बहुत पहले से ही राजस्थान में बहुत समृद्ध परंपराएं रही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, जैसे कि पथवारी की पूजा करना, पेड़ों को चुनरी उड़ाना, या मंदिरों के आसपास की जमीन को पवित्र वन का दर्जा देकर उन्हें ओरन घोषित कर देना। ये सब पेड़ों को बचाने की हमारी स्थानीय तकनीकी